आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर ढोकला की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। इस इंडिपेंडेंस डे आप बच्चों को ये रेसिपी टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों को बेहद पसंद आएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अमेजिंग बनता है। तो वीडियो को पूरी देखें जिससे आपका ढोकला भी इसी तरह सुपर सॉफ्ट बने। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं इस ट्राई कलर ढोकला की मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस ट्राई कलर ढोकला की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप भर के सूजी ले ली है। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ और उसी के साथ हमें यूज़ करना है 1 कप भर के फ्रेश दही। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़े से पानी को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमें दही लेना है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका एक बैटर बना लीजिए और इसे थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पर रख दीजिए जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस इसे इस तरह बना के छोड़ देना है और अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो जब तक सूजी अच्छे से फूल रही है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसे अच्छे से चारों तरफ से हम ग्रीस करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए और सूजी पहले से काफ़ी थिक हो गई है। तो बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड और करेंगे और एक इसका अच्छा सा लम्स फ्री हम बैटर बना के तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम इडली बनाने के लिए तैयार करते हैं सेम उसी तरह का, ना ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी आपको धीरे धीरे डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा घोल बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि आज का जो ढोकला है वो हम 3 कलर में बनाने जा रहे हैं, इसीलिए इसे बराबर बराबर 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे फूड कलर ऐड करना है। तो एक में मैंने ग्रीन कलर को ऐड किया है और दूसरे में मैंने ऑरेंज कलर को ऐड किया है और तीसरा जो पार्ट है उसे हम वाइट ही रहने देंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे ईटेबल फूड कलर नहीं है तो आप यहाँ पे इसकी जगह पालक का जूस भी डाल सकते हैं ग्रीन कलर को बनाने के लिए, और ऑरेंज कलर को बनाने के लिए गाजर का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज मैं ईटेबल फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रीन वाला जो है हमारा वो बन के मिक्स बिल्कुल रेडी है, इसी तरह हम ऑरेंज कलर को भी डाल के इस मिक्स को बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे तीनों मिक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बिल्कुल ट्राई कलर में, तिरंगा के कलर में। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम फटाफट से ढोकला। तो सबसे पहले हम बेस में डालेंगे ऑरेंज कलर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ किया है और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मीठा सोडा यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है। और आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह पे इनो का यूज़ भी कर सकते हैं, पर इनो को आप थोड़ा कम डालें। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने मोल्ड में ऑरेंज वाला मिक्स भर दिया है और अब चलते हैं इसे स्टीम करने की तरफ। तो यहाँ पे पहले ही मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि अच्छा उबाल आ रहा है इसमें। तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे करके आपको यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारा ढोकला जो है अच्छे से कुक हो गया है। तो बस इसे मैंने अब निकाल लिया है और अब इसके ऊपर हम डालेंगे वाइट वाला मिक्स। तो इसमें भी सेम तरह से हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और फिर मिक्स को इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से हमने सेट कर लिया है। चाहे तो आप एक बार स्पैचुला की मदद से अच्छे से चारों तरफ से इसे सेट कर दीजिए।
देखिए इस तरह। तो लीजिए इसे भी अब हम फटाफट से स्टीम कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है इस तरह ट्राई कलर ढोकला, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुपर अमेजिंग लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स ये भी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हम अपनी लास्ट वाली ग्रीन कलर की लेयर को ऐड करेंगे, तो उसमें भी हम थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके उसे इसके ऊपर फैला देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स इसे भी हमने अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है और अब इसे भी हम उसी तरह स्टीम कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट में ये भी अच्छे से कुक हो गया है और आपको मैं टूथपिक लगा के दिखा रही हूँ कि टूथपिक हमारी जो है बिल्कुल क्लीन आई है। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं और अब इसे पूरी तरह हम पहले ठंडा होने देंगे, तब तक हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन ले लिया है और उसमें लगभग 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के राई के दाने, और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे कुछ करी पत्ता और कुछ बारीक कटी हुई लंबाई में मिर्च। तो यहाँ मिर्चों को लंबाई में काटना है आपको, जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें हींग भी ऐड की है जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इन सभी को अच्छे से आप कुक कर लें चलाते हुए, और अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो आप इसमें उन्हें ज़रूर ऐड करें। सफ़ेद तिल डालने से एक तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत क्रंची अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स तड़का बन गया है और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच भर के नींबू का रस ऐड कर देना है और उसे हम साइड में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ढोकला है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ढोकला अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही केक टिन में अच्छे से ऑयल को अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आप एक चाकू की मदद से इसके एजेस निकाल लीजिए और फिर इसे एक प्लेट में उल्टा करके टैप टैप करिए और आपका ढोकला पूरा बहुत अच्छे से निकल आएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बना है और कितनी अच्छी जाली आई है, और आप देख सकते हैं कि लुक वाइज कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। देखिए फ्रेंड्स तो बस चलिए अब इसके ऊपर हम तड़का को फैला देते हैं। तो बस इस तरह चम्मच से लेना है और सभी जगह आप इसे डाल दीजिए। तो इस तड़के में से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो एक बार आप मेरे बताए गए तरीके से इस इंडिपेंडेंस डे इसे ज़रूर बनाएं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में आप इसे रख के ज़रूर दें, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जब वो इस तरह की कलरफुल चीज़ें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ढोकला तो बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो चलिए एक बार इसे आपको हम कट करके भी दिखा देते हैं कि कितना ज़्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट बना है। तो कट करने के लिए आप अपने मन मुताबिक किसी भी पीस में इसे कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, और कोशिश करें कि इस इंडिपेंडेंस डे आप इस ट्राई कलर ढोकला को ज़रूर ट्राई करें। लीजिए फ्रेंड्स हमारी प्लेट तो लग के बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू।